जी हाँ, ये चेहरा और ऐसे इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर कई ऐसे रील्स भरमार पड़े हैं। ये है सीमा हैदर। इस चेहरे से आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, क्योंकि ये चेहरा इन दिनों भारतीय मीडिया में और बल्कि पाकिस्तान में भी छाया हुआ है। अभी तक सीमा हैदर के प्यार, इश्क और मोहब्बत की कहानियां बहुत ज़्यादा फेमस हो रही थी। लोग इसके एग्जाम्पल्स दे रहे थे कि देखो, मोहब्बत में पड़ी सीमा कैसे सीमा पार करके पाकिस्तान से पहुंच गई भारत। लेकिन अब इस पूरे कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है और इसकी वजह खुद सीमा हैदर ही हैं। जी हाँ, सीमा हैदर वो नाम जो कि पाकिस्तान की रहने वाली, जो कि पहले से शादीशुदा है, जिसके 4 बच्चे हैं, लेकिन सीमा को पबजी खेलते खेलते मोहब्बत हो गई भारत में नोएडा में रहने वाले उत्तर प्रदेश के सचिन से। मोहब्बत ऐसा था कि सीमा पार करके अपने 4 बच्चों को लेकर के पाकिस्तान से भारत पहुंच गई। तब तक तो बात ठीक थी, जब तक ये पूरी कहानी लोगों के सामने नहीं आई थी, मीडिया के सामने नहीं आई थी। कोशिश भी यही थी सचिन और सीमा की कि उनकी मोहब्बत की दास्तान पूरी दुनिया के सामने ना आ पाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि इश्क छुपाए नहीं छुपता, इसीलिए ये कहानी सबके सामने आ गई, मीडिया में आ गई और उसके बाद सीमा सचिन के प्यार के बारे में हर कोई जान गया। सीमा से कई न्यूज़ चैनल्स ने, कई यूट्यूब चैनल्स ने इंटरव्यू लिए, जिसमें सीमा लगातार ये दावा कर रही थी कि उनको सचिन से मोहब्बत हो गई थी और सिर्फ प्यार में पड़ी सीमा बिना कुछ सोचे समझे अपने 4 बच्चों को लेकर के अपना मुल्क पाकिस्तान छोड़ करके पहुँच गई भारत। सीमा से कई सवालों के जवाब जब लिए गए तो सीमा ने सभी सवालों का बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया। लेकिन प्रॉब्लम तब हो गई जब पुलिस और जांच एजेंसियों ने सीमा से पूछताछ करनी शुरू की, क्योंकि सीमा के कई बयानों में विरोधाभास नजर आ रहा था। सीमा कभी कुछ बोलती थी, कभी कुछ बोलती थी। हुआ ये कि पुलिस और ATS ने सवालों की एक फेहरिस्त तैयार की। ये वही सवाल थे जो सीमा से पहले पूछे जा चुके थे। आज के इस वीडियो में हम ऐसे 5 सबूत पेश करने वाले हैं आपके सामने, जिससे आप ये भी समझ पाएंगे कि सीमा के दिल में क्या सचिन है या फिर सीमा के दिल में कोई चोर छिपा हुआ है। सबसे पहले एक अपडेट आपको दे दें कि इस वक्त भी सीमा जो है वो नोएडा में पुलिस क्वार्टर में मौजूद है। ATS ने अभी तक घंटों की पूछताछ की है और पूछताछ में अभी कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब लेना सीमा से बाकी है। जितने भी सवाल ATS पूछ रही है सीमा से, सबका गोल मोल जवाब सीमा दे रही है। सबसे पहले जिन 5 सबूतों की हमने बात की, या फिर कह लीजिए कि जो 5 बातें अभी तक सामने आई हैं, उससे सीमा पर शक गहरा रहा है। इसकी वजह क्या है? सबसे पहले सीमा ने अपनी उम्र 30 साल बताई, लेकिन पाकिस्तान से जो हलफनामा सामने आया है उसमें सीमा का जो जन्म है वो 1994 में हो गया था। यहाँ पर एक बड़ी बात पता चली कि सीमा अपने बयान से ही पलट रही है। कभी वो अपनी उम्र कुछ और बताती है, कभी कुछ उम्र और पता चलती है। उनके मुल्क से, पाकिस्तान से अभी तक जो उनके परिवार वालों से बात हुई है। दूसरी बड़ी बात जो वो अपने पति गुलाम हैदर को लेकर कह रही हैं, गुलाम हैदर के बारे में सीमा का ये कहना है कि गुलाम हैदर से उनकी लव मैरिज नहीं हुई थी, बल्कि उनकी शादी एक मजबूरी की शादी थी, एक समझौते के साथ हुई शादी थी। जबकि गुलाम हैदर की माने, वो भी मीडिया के सामने आ चुके हैं, गुलाम हैदर ये कह रहे हैं कि सीमा और मैंने भाग करके शादी की थी। बाकायदा एक डॉक्यूमेंट भी पेश किया गया है पाकिस्तान की ओर से, एक हलफनामा, जिसमें बताया गया है कि सीमा ने गुलाम हैदर के साथ रजामंदी के साथ शादी की। ये दूसरी जानकारी जब सामने आई तो लोगों को लगने लगा कि सीमा का बयान कुछ और सीमा के पति का बयान कुछ और ही कहानी बताता है। तीसरी जो बड़ी जानकारी सामने आई वो ये आई, सीमा का भाई और सीमा का चाचा जो कि पाकिस्तान आर्मी में काम करते हैं, सीमा ने शुरुआत में ये बात छिपाई थी। अपने भाई की तस्वीर दिखाने से भी उन्होंने इनकार किया था, लेकिन अब सीमा के भाई की एक तस्वीर सबके सामने है। कहा यह जा रहा है, लोगों का शक इसलिए भी बढ़ रहा है कि अगर सीमा का भाई और चाचा पाकिस्तान आर्मी में है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ISI की एजेंट है सीमा। बकायदा एक अच्छी ट्रेनिंग हुई है सीमा की और उसके बाद पाकिस्तान से उन्हें भारत भेजा गया। चौथे सबूत की बात करते हैं। सीमा ने शुरुआत में यह बताया कि उनके पास एक पासपोर्ट है, उसी पासपोर्ट के सहारे वो सबसे पहले पाकिस्तान से निकली, पहुंची सऊदी अरब, सऊदी अरब से आई नेपाल और नेपाल से रोड के रास्ते, सड़क के रास्ते पहुंच गई भारत। लेकिन बाद में सीमा के पास से 2 और पासपोर्ट मिले हैं,
जिससे कि जो जांच एजेंसियां हैं, पुलिस है, उसका शक गहराता नजर आ रहा है। एक और बड़ी जानकारी जो कि सीमा को लेकर के सामने आई है, जिससे कहा जा रहा है कि क्या वाकई में सचिन के लिए मोहब्बत ही सीमा को पाकिस्तान से खींच करके लाई, या फिर सीमा का इरादा कुछ और था। आप सभी जानते हैं, अभी तक तो सारी जानकारियां आप सबके सामने हैं, कि सीमा के पास कुछ मोबाइल फोन भी मिले हैं, उनमें से एक मोबाइल फोन टूटा हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, कई डेटा सीमा ने अपने फोन से डिलीट भी कर दिए हैं, जिसमें कि व्हाट्सएप चैट डिलीटेड था और साथ ही कुछ फोन कॉल्स के रिकॉर्ड भी डिलीटेड थे। सीमा बार बार अपने बयान बदल रही हैं। सीमा से जब पूछा जाता है कि आपने इंग्लिश बोलना कहाँ से सीखा, तो सीमा कहती है कि जब वो भारत आई थी और शुरुआत में जब वो पकड़ी गई थी, 5 दिन जेल में रही थी, उसी दौरान उन्होंने इंग्लिश बोलना सीख लिया। क्या ये हजम करने वाली बात है? आपको लगता है कि जो महिला ये कह रही है कि वो 5वीं भी ठीक से नहीं पढ़ी है, वो सिर्फ 5 दिनों में, वो भी एक जेल के भीतर, अंग्रेजी बोलना सीख सकती है? आपने देखा है कि सीमा कैमरा फ्रेंडली है, कैमरा के सामने बिल्कुल हेजिटेट नहीं करती हैं। जितने भी सवाल उनसे पूछे जाते हैं, सबके अच्छे से जवाब वो देती हैं। ऐसा लगता है कि एक पूरी तैयारी के साथ वो यहाँ पहुँची हैं। सीमा पर शक अब जांच एजेंसियों का गहराता जा रहा है, क्योंकि कई ऐसे सबूत पाकिस्तान से भी सामने आए हैं, जिससे कहा यह जा रहा है कि हो ना हो दाल में कुछ काला है। एक और बड़ी बात जो अपडेट है, अभी तक तो पाकिस्तान से कई वीडियोस भी सामने आए जिसमें सीमा के परिवार वालों से बात हुई है, लेकिन पता ये चला है कि सीमा के परिवार वाले पाकिस्तान में जिस घर में रहते थे, उस घर को छोड़ करके कहीं और चले गए। इस वजह से शक और ज़्यादा गहरा गया है कि अगर ऐसा है, सीमा बेकसूर है, तो परिवार वालों की लोकेशन बदल क्यों गई, अंडरग्राउंड क्यों हो गए परिवार वाले। पाकिस्तान ने अभी तक सीमा को लेकर बस यही बयान दिया है कि ये पूरा मामला प्यार और मोहब्बत का है। सिर्फ इतना कहकर के ही पाकिस्तान ने सीमा से पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन शुरुआत में जो कहानी आपको इतनी सीधी और सपाट दिख रही थी, दरअसल ये कहानी इतनी सिंपल, इतनी सीधी और सपाट नहीं है। अभी भी इसमें बहुत सारे पेच उलझे हुए हैं, जो कि जांच एजेंसियों के सामने एक बड़ी चुनौती पेश करे। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि सुरक्षा में सेंध लगा करके पाकिस्तान से कैसे पहुंच गई भारत सीमा। जांच अभी चल रही है, पूछताछ भी चल रही है। सबसे पहले TV9 भारतवर्ष आपको हर अपडेट आपके सामने रखता रहेगा सीमा हैदर मामले में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।